नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, एक हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको 20 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। काफ़ी साथियों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि जीके के बारे में कुछ बताया जाए। हालांकि मैं इंग्लिश की एक सीरीज और स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको ग्रामर बहुत मतलब अच्छे तरीके से बताई जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आप वो चीज़ें भी देख सकते हैं। तो अभी साथियों हम जो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और होता क्या है कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनके चांसेस भी होते हैं आने के कि ये दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने व्यूज जरूर दीजिए और अगर कुछ कमी लगे तो वो भी बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और ये क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में भी पूछा गया था, जो सांची स्तूप है वो कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर दें कि सांची स्तूप कहाँ पर है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था और आपको आंसर देना है कि सांची स्तूप कहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भारत का जो सर्वाधिक व्यापार किसके साथ था? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ था। ये गुप्तकालीन समय से क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार किसके साथ था? तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का सर्वाधिक व्यापार था गुप्त काल में। आप ये ध्यान रखें, गुप्त काल में किसके साथ था? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का सर्वाधिक व्यापार था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चोल कालीन, अभी इसमें क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। क्वेश्चन है, चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नटराज की है। साथियों, चोलकालीन एक बहुत ही प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है, इसके बारे में आपने सुना होगा। और क्वेश्चन सीधा ये आ जाता है कि चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये है नटराज की। ध्यान रखें आप, ये किसकी है? नटराज की है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वो किस काल से है? तो चोल काल, चोलकालीन समय से है। आप ये ध्यान रखें, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। इसके बाद है, टोपरा और मेरठ में से जो स्तंभ है, टोपरा और मेरठ से स्तंभ लाकर दिल्ली में फिरोज तुगलक ने स्थापित करवाया था। जो टोपरा है और मेरठ है वहां से स्तंभ लाकर दिल्ली में किस शासक ने स्थापित करवाया था? वो था फिरोज तुगलक। आप ध्यान दें, फिरोज तुगलक कहां से? टोपरा और मेरठ से। समझ गए होंगे, टोपरा और मेरठ से दिल्ली में फिरोज तुगलक ने जो स्तंभ था वो स्थापित करवाया था। इसके बाद है, बीजापुर में गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। बीजापुर में जो गोल गुंबद है उसके बारे में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बिल्कुल आपको पता होगा, तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। बीजापुर में जो गोल गुंबद है वो किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में चार मीनार है जो, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद, और इसका निर्माण किसने करवाया था? अली कुतुब शाह ने। ध्यान रखें, इसके बाद है, अमीर खुसरो हैं जो सूफी संत थे, अमीर खुसरो, तो इन्होंने क्या कहा था? भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। इसके बाद है, कालिंजर किले पर कब्जा करते हुए
शेर शाह की मृत्यु हुई थी। जो शेर शाह थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कालिंजर किले पर कब्जा करते हुए, मतलब कालिंजर जो किला है उस पर कब्जा करने गए थे, उस पर कब्जा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलाब से इत्र निकालने की जो तकनीक है उसका आविष्कार किसने किया था? जो गुलाब से इत्र निकालते हैं, इत्र मतलब जो हमारा परफ्यूम होता है, सेंट वगैरह होते हैं, तो ये निकालने की तकनीक का आविष्कार साथियों बहुत पहले हो गया था। नूरजहां ने इसका आविष्कार किया था। गुलाब से इत्र निकालने की जो तकनीक है इसका आविष्कार किसने किया था? नूरजहां ने किया था। इसके बाद है दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के अंदर एक मोती मस्जिद है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मोती मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और साथियों एक बात और ध्यान रखें आप, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे जामा मस्जिद है, कई जगह मिलेंगी आपको, ठीक है? तो जामा मस्जिद, दिल्ली वाली जामा मस्जिद, जैसे कई चीज़ें ऐसे होती हैं कि बहुत शहरों में मिल जाती हैं सिमिलर उसी नाम से, तो उसमें यह होता है जैसे दिल्ली की या जयपुर की, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कमल और रोटी 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसका क्या था, प्रतीक था? आपको पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन उसका प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक था। इसके बाद है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? मार्टिन लूथर का आपने नाम सुना होगा, तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। आप ये ध्यान रखें, भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा गया है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। हंटर कमीशन आपने नाम सुना होगा, तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर इसने फोकस किया है। क्वेश्चन सीधा ये आ सकता है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? जो स्वदेशी आंदोलन था उसके दौरान जो वंदे मातरम था ये क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसका शीर्षक गीत बना था। किस दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। आप ये ध्यान रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको तिलक ने, लोकमान्य जो तिलक थे, इन्होंने क्या कहा था, भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। जो तिलक जी हैं इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। आप ये ध्यान रखें, इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था, बेगिंग इंस्टीट्यूट, भीख मांगने वाली संस्था, और इनको क्या कहा गया है, भारतीय अशांति का जनक। अब इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, उस टाइम कांग्रेस का बोलबाला था आज़ादी से पहले, जो मतलब जितने भी आंदोलन वगैरह हुए थे तो मुख्य रोल था उनका, कोई अगर उसे कहा कहता है, भीख मांगने वाली संस्था कहता है मेन चीज को, जो मेन संस्था थी जो आंदोलन के लिए थी, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उसे कोई क्या कहेगा, भारतीय अशांति का जनक, कि मतलब ये अशांति फैला रहे हैं, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं इसे। इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था, जलपोत था। ये
कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ क्या था? एक जलपोत था। जलपोत मतलब जहाज, समुद्री जहाज जो होते हैं वो था ये। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई वो कौन था? जतिन दास। जतिन दास ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जो भूख हड़ताल के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई थी, जतिन दास। और ऐसे लोगों को आपको सैल्यूट करना चाहिए। इसके बाद सेकंड है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे उन्होंने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, डू और डाई। इसके बाद है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। मतलब जो महात्मा गांधी की आत्मकथा थी वो किस भाषा में है? मूल रूप से गुजराती भाषा में थी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स जरूर दें। और आपके लिए क्वेश्चन था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बताया था, तो उसका आंसर आप जरूर दें। और जो साथी अच्छा मतलब करेक्ट आंसर देंगे, जो सांची स्तूप है वो कहाँ पर है, जो साथी करेक्ट आंसर देंगे उनके आंसर, टॉप 5 आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो साथी, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।